Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture, I am going to discuss about John Dryden in the light of literary criticism. So friends, he belongs to Enlightenment age, so we associate him as Enlightenment age critic. And friends, before proceeding to this lecture, I want to inform you that John Dryden has written many works in the field of literary criticism, and I will be uploading separate lectures on each of his works. So please stay tuned. And now I am proceeding with my lecture, and friends, I am explaining in Hindi. Dryden is known as the father of English criticism. Please remember this कि John Dryden को जो है English criticism का father बोला जाता है. Then he was a pioneer of liberal criticism in an age which focused more on the grammar of criticism. So friends, please remember this point कि इन्हें जो है liberal criticism का founder यानी pioneer बोला जाता है, और उस age में बोला गया था जब मतलब क्रिटिसिज्म लिखते समय जो है ग्रामर पर जो है ज़्यादा एम्फिसाइज किया गया था. सो उस समय जो है इन्होंने जो है लिबरल क्रिटिसिज्म को फाउंड किया था. सो ये लिबरल क्रिटिसिज्म के पायोनियर थे. ही वॉज अ पायोनियर ऑफ लिबरल क्रिटिसिज्म इन अ एज विच फोकस मोर ऑन द ग्रामर ऑफ क्रिटिसिज्म. सो इन्होंने जो है लिबरल क्रिटिसिज्म को मतलब फाउंड किया था. सो उस एज में फाउंड किया था जब क्रिटिसिज्म लिखते वक्त जो है ग्रामर पे ज़्यादा एम्फिसाइज किया जाता था. नाउ लिबरल क्रिटिसिज्म. सो लिबरल क्रिटिसिज्म क्या होता है? व्हेन अ राइटर इज़ फोकसिंग एंड सेइंग दैट यू मस्ट राइट अकॉर्डिंग टू योर ओन विश, कि जब राइटर जो है इस पर ज़्यादा फोकस करता है कि वो जो है अपनी मर्जी से जो है कुछ भी लिख सकता है बजाय कोई कन्वेंशन को फॉलो करे. सो विदाउट एनी फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस ही इज़ एबल टू राइट अकॉर्डिंग टू हिज ओन विश. So that is called as liberal criticism. When a writer is focusing and saying that you must write according to your own wish, जब writer जो है इस पर ज़्यादा focus या फिर emphasize करे या फिर ये कहे कि तुम जो है अपने wish के according लिख सकते हो, that is called as liberal criticism according to John Dryden. You should not adhere by rules and prescriptions laid down for good writing. कि जितने भी rules या फिर prescriptions होते हैं एक अच्छी writing को लिखने के लिए, उनको जो है आप फॉलो नहीं करते. आप जो है अपने विश के अकॉर्डिंग जब एक राइटिंग आप अपनी विश के अकॉर्डिंग जो है कुछ लिखते हो, सो उसे जो है लिबरल क्रिटिसिज्म बोला जाता है. सो यू शुड नॉट अधेयर बाय रूल्स एंड प्रिस्क्रिप्शंस लेट डाउन फॉर गुड राइटिंग. वेन एवर अ क्रिटिक गिव्स फ्रीडम टू द पोएट, कि जब कोई क्रिटिक जो है पोएट को ये फ्रीडम दे दे saying that he should not abide by the let down rules but focus on writing according to one's own wishes. कि जब क्रिटिक जो है पोएट को ये फ्रीडम दे दे कि उसे जो है किसी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो ना करके वो जो है अपनी विश के अकॉर्डिंग जो है लिख सकता है, दैट इज़ कॉल्ड एज लिबरल क्रिटिसिज्म अकॉर्डिंग टू जॉन ड्राइडन. देन Dryden was also known as pioneer of historic criticism. So friends, please note down this point कि Dryden को जो है historic criticism का founder भी बोला जाता है. So इन्होंने जो है liberal criticism को भी found किया और साथ ही साथ historic criticism को भी found किया. Then John Dryden recognized that genius and temperament differs from age to age. कि John Dryden का कहना है कि वो इस चीज़ को recognize करते हैं कि हर एक एज में जो है अलग अलग writer जो होता है वो genius होता है, उसका attitude जो है वो हर एक एज में जो है different होता है. And literature and वो जो literature को produce करता है अलग एज में रहकर, so वो भी उसमें जो है उसका attitude जो है reflect होकर यानी हमें नज़र आता है उसका attitude, वो भी जो है different होता है. सो जॉन ड्राइडन रिकॉग्नाइज दैट जीनियस एंड टेम्परामेंट डिफर्स फ्रॉम एज टू एज एंड लिटरेचर इन डिफरेंट पीरियड्स इज बाउंड टू बी डिफरेंट. कि हर एक पीरियड में जो है लिटरेचर जो है अलग अलग होती है. सो कंटेम्प्रेरी में कुछ और होता है, क्लासिक में कुछ और होता है. सो आप ये देख सकते हैं कि लिटरेचर भी जो है अलग अलग एज में जो है मतलब अलग अलग टाइम को रिफ्लेक्ट करती है कि वहाँ की जो है सोशल इकोनॉमिक और साथ ही साथ पॉलिटिकल कल्चरल कंडीशंस कैसी हुआ करती थी. देन ही रिकॉग्नाइज दैट एलिजाबेथन ड्रामा एंड रिस्टोरेशन ड्रामा आर गवर्न्ड बाय डिफरेंट लिटरेरी कन्वेंशन.
कि जॉन ड्राइडन जो है इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि एलिजाबेथन ड्रामा और रिस्टोरेशन ड्रामा में जो है अलग लिटरेरी कन्वेंशन को फॉलो किया जाता था। सो कहने का मतलब ये है कि जॉन ड्राइडन ये कहना चाहते हैं कि हर एक एज में जो है हर राइटर जो है मतलब हर एक एज में जो है ब्रिलियंट राइटर भी होता है जिसे हम जीनियस के नाम से एसोसिएट करते हैं और उसका जो है एटीट्यूड भी बहुत अलग होता है और वो जो है अपनी एज को रिफ्लेक्ट कर रहा है यानी जिस टाइम पर वो रह रहा होता है सो उसी के टाइम की वो सोशल पॉलिटिकल कल्चरल इकोनॉमिक कंडीशन को जो है अपने टेक्स्ट के थ्रू रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है। और इसी के साथ साथ क्या होता है कि हर टाइम में जो है एक अलग यानी एक मतलब अलग तरीके की लिटरेचर जो है फॉर्म होती है। एवरी एज नीड्स टू एड्रेस डिफरेंट इश्यूज कि हर एक एज में जो है अलग अलग इश्यूज को जो है रीडर्स के सामने एड्रेस किया जाता है यानी उनके मतलब लाइमलाइट में लाया जाता है अलग अलग इश्यूज को। देन एरिस्टोटल रिवाइज्ड हिज रूल्स एंड रिटन डिफरेंटली अगर एरिस्टोटल जो थे वो ग्रीक फिलोसोफर थे सो जो कि क्लासिकल टाइम्स में लिखा करते थे और जब वो अगर जॉन ड्राइडन कह रहे हैं कि अगर वो मॉडर्न एरा में अगर ज़िंदा होते तो जो उनका लिखने का ढंग था वो भी बहुत डिफरेंट होता यानी जो भी उन्होंने क्लासिकल टाइम में जो है रूल्स या फिर रूल्स और रेगुलेशंस राइटिंग के लिए लिखे थे वो अगर अब वो मॉडर्न एरा में अगर ज़िंदा होते तो वो अपने रूल्स और रेगुलेशन को फिर से रिवाइज करके जो है उनको अलग तरह से रीडर्स के सामने पोर्ट्रे करने की कोशिश करते। एरिस्टोटल रिवाइज हिज रूल्स एंड रिटन डिफरेंटली इफ़ ही लिव्ड इन द मॉडर्न एरा कि एरिस्टोटल अगर मॉडर्न एरा में ज़िंदा होते तो वो जो है उनका जो है अलग तरीका होता लिखने का। ड्राइडन वॉज ऑल्सो अ पायोनियर ऑफ कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म। सो फ्रेंड्स जितने भी मैं पॉइंट्स इस लेक्चर में कवर कर रही हूँ ये सारे जो है UGC नेट इंग्लिश लिटरेचर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स प्लीज़ बी कॉशियस अबाउट दीज पॉइंट्स। सो ड्राइडन वॉज ऑल्सो अ पायोनियर ऑफ कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म। सो ड्राइडन को जो है फाउंडर बोला जाता है कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म का भी। और कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म क्या होता है व्हेन यू कंपेयर टू काइंड्स ऑफ वर्क जब आप दो वर्क्स को जो है एक दूसरे के साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हो सो दैट इज़ कॉल्ड एज कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म। देन फॉर ड्राइडन एम ऑफ पोइट्री इज़ टू डिलाइट कि ड्राइडन के लिए जो है पोइट्री लिखने का एम क्या होता था कि रीडर्स को जो है एंटरटेन करना यानी उनको जो है मतलब डिलाइट प्रोवाइड करना यानी फन प्रोवाइड करना और साथ ही साथ जो है इंस्ट्रक्शन देना जो है पोएट्री का दूसरा एम था अकॉर्डिंग टू जॉन ड्राइडन। देन इट इज़ ड्राइडन हु सेड दैट सेटन इज़ द रियल हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। सो फ्रेंड्स ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये पॉइंट जो है सो इस पर जो है क्वेश्चन आया था UGC नेट में सो प्लीज़ नोट डाउन दिस पॉइंट। इट इज़ ड्राइडन हु सेड दैट सेटन इज़ द रियल हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट कि ड्राइडन ने जो है ऐसा बोला था कि सेटन जो है वो असली हीरो है पैराडाइज लॉस्ट का। देन अब जब है हम बात करते हैं मेन वर्क्स ऑफ ड्राइडन के बारे में सो क्या क्या उनके मेन वर्क्स थे ड्राइडन के। सो एक्सेप्ट एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी सो ड्रामेटिक पोएजी जो ऐसे था ड्राइडन का इस वर्क के अलावा भी जो है उन्होंने 4 अदर वर्क्स भी लिखे थे। सो सबसे पहला वर्क था उनका एसेज ऑन सटायर। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस कि उन्होंने जो है ड्रामेटिक पोएजी के अलावा 4 मतलब अलग वर्क्स लिखे थे सबसे पहले जिसमें से सबसे पहला उनका वर्क था एसेज ऑन सटायर। सो ये क्या है ये एक तरह का एसेज का कलेक्शन है जिसमें जो है हम देखते हैं कि इसमें इस एसे में जो है मतलब विच वॉज ट्रांसलेशन ऑफ जुवेनाइल सटायर कि ये जो एसे है जिसका नाम है एसे ऑन सटायर ये जो है जुवेनाइल के सटायर का ट्रांसलेशन है। मैं फिर से इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि एसे ऑन सटायर जो है एसेज का कलेक्शन है और साथ ही साथ जो है जो जुवेनाइल ने सटायर्स लिखे थे ये वर्क एसेज ऑन सटायर उसका ट्रांसलेशन है।
In the preface of this translation, he shares his views on satire. कि इस translation के preface में उन्होंने जो है मतलब अपने views, Dryden ने अपने views दिए हैं कि वो जो है satire के बारे में क्या सोचते हैं. The aim of satire is correction of manner. कि according to John Dryden ऐसा बताते हैं कि satire का main aim ये होता है कि लोगों की मतलब सटायर्स को पोर्ट्रे करके मैनर्स को, लोगों के जो मैनर्स हैं उसको करेक्ट करना. ही प्रेफर्स हॉरेस मोर देन जुवेनाइल. सो मैंने इस पे जो है सेपरेट लेक्चर बना रखा है. सो जिसमें मैंने बताया था कि दो तरीके के सटायर्स होते हैं. सबसे पहला मतलब होरेशियन सटायर होता है और दूसरा जुवेनेलियन सटायर होता है. सो ड्राइडन जो है ज़्यादा प्रेफर करते थे होरेशियन सटायर को बजाय की जुवेनेलियन सटायर को. सो ही प्रेफर्स हॉरेस मोर देन जुवेनाइल. देन दूसरा इनका वर्क है एसेज ऑन हीरोइक ट्रेजेडी. सो एसेज ऑन हीरोइक ट्रेजेडी के बारे में ये बताते हैं. ही टॉक्स अबाउट कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा. सो एक ग्रेनेडा था जिसके बारे में ये बताते हैं कि ग्रेनेडा में कॉन्क्वेस्ट हुआ था. सो ग्रेनेडा जो है स्पेन में एक जगह है. सो ये ऐसे जो है उसके बारे में बात करता है. देन प्रीफेस ऑफ दिस वर्क. सो इस वर्क में जो है प्रीफेस लिखा गया है जिसके बारे में बात की गई है कि व्हाट इट मींस टू राइट अ ट्रेजेडी और एपिक. कि मतलब कि जॉन ड्राइडन के अकॉर्डिंग जो है ट्रेजेडी और एपिक लिखने का मतलब क्या हुआ करता था. सो ये जो है इस ऐसे के प्रीफेस में जो है जॉन ड्राइडन ने ये बता रखा है कि ट्रेजेडी और एपिक लिखने का क्या मतलब है. प्रीफेस ऑफ दिस वर्क ही टॉक्स अबाउट व्हाट इट मींस टू राइट अ ट्रेजेडी और एपिक. देन ही गोज अगेंस्ट एरिस्टोटल. कि ये जो है एरिस्टोटल के व्यूज़ के अगेंस्ट जाकर बताते हैं और कहते हैं कि एपिक जो है ट्रेजेडी से ज़्यादा बेटर है. देन एरिस्टोटल सेड दैट ट्रेजेडी इज़ बेटर देन एपिक. एरिस्टोटल ने ये बताया कि ट्रेजेडी जो है ज़्यादा बेटर है एपिक से. बिकॉज ट्रेजेडी हैज़ गॉट ऑल द पॉइंट्स ऑफ एपिक. क्योंकि एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ट्रेजेडी के अंदर जो है वो सारे ही एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक एपिक में भी होते हैं. जैसे कि स्पेक्टेटर होता है, डिक्शन होता है. सो ये सारे जो है हम ट्रेजेडी में भी देखते हैं. जितने एलिमेंट्स हम एपिक में देखते हैं वो सारे एलिमेंट्स जो है ट्रेजेडी में भी प्रेजेंट रहते हैं. ये एरिस्टोटल का कहना था. ही सेज नो. और ड्राइडन जो है इसके रिस्पांस में बता रहे हैं कि एरिस्टोटल गलत बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि एपिक जो है ट्रेजेडी से ज़्यादा बेटर है. फंक्शन ऑफ एपिक इज़ टू अराउज एडमायरेशन. क्योंकि इनके अकॉर्डिंग मतलब जॉन ड्राइडन के अकॉर्डिंग एपिक ज़्यादा बेटर क्यों है. क्योंकि ये कहते हैं कि फंक्शन एपिक का फंक्शन ये होता है कि मतलब महान वॉरियर्स को जो है उनको प्रेज करना, एडमायर करना. और ना कि ये कि लोगों के अंदर डर या फिर सौरों की फीलिंग्स को इवोक करना. इसलिए जो है जॉन ड्राइडन के अकॉर्डिंग एपिक ज़्यादा बेटर है. फंक्शन ऑफ एपिक इज़ टू अराउज एडमायरेशन एंड नॉट टू इवोक पिटी एंड फियर. देन थर्ड एसे का नाम है एसेज ऑन फेबल्स. ही टॉक्ड अबाउट लिटरेचर ऑफ ग्रीस. जिसमें जो है इस एसे में ड्राइडन बात कर रहे हैं ग्रीस, रोम और इटली की लिटरेचर के बारे में. देन दिस एसे टॉक्स अबाउट हिज कमेंट्री ऑन चौसर. कि इस एसे में जो है जॉन ड्राइडन ने चौसर के बारे में कमेंट्री दी है. देन फोर्थ एसे का नाम है एसे ऑन मेटाफिजिक्स. सो ये वो वर्क है जिसमें ड्राइडन ने जो है वर्ड को कॉइन किया था जिसका नाम है मेटाफिजिक्स. सो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ड मेटाफिजिक्स को किसने कॉइन किया था. सो आंसर इसका है जॉन ड्राइडन. एंड किस वर्क में किया था. सो उस वर्क का नाम है एसे ऑन मेटाफिजिक्स, वर्क इन विच ही कॉइन द टर्म मेटाफिजिक्स. ही सेज फॉर डन That John Donne affects the metaphysics. कि John Dryden बताते हैं कि John Donne ने जो है metaphysics को काफ़ी affect किया है. कैसे. And then later Samuel Johnson और फिर बाद में जो है Samuel Johnson ने इन writers को एक साथ group करके कहा था कि ये सारे जो है metaphysical poetry से belong करते हैं.
सो मैं फिर से इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहूँगी। सबसे पहले जो है जॉन ड्राइडन कह रहे हैं कि जॉन डन ने जो है मेटाफिजिक्स को अफेक्ट किया अपनी पोएट्री में यूज़ करके। फिर बताते हैं कि सैमुअल जॉनसन ने इन सारे राइटर्स को जो है एक साथ ग्रुप करके ये बताया कि ये सारे राइटर्स जो है मेटाफिजिकल पोएट्री के अंदर आते हैं। देन और इस ऐसे के थ्रू इन्होंने जॉन ड्राइडन ने जो है जॉन डन को क्रिटिसाइज़ किया है और बताया है कि उन्होंने जो है कम्प्लीटली मेटाफिज़िक्स को अफेक्ट किया है, क्योंकि उन्होंने जो है अपनी पोएट्री में जो है बहुत ज़्यादा स्टाइल एक्सेस में यूज़ कर रखी है। और स्टाइलिस्टिक एक्सेसेस का मतलब ये है कि उन्होंने जो है अपने पोएट्री में बहुत ज़्यादा कंसीट्स का यूज़ किया गया है। सो फ्रेंड्स, मैं कंसीट पे भी जो है ऑलरेडी लेक्चर बना चुकी हूँ, जो कि आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो ये जॉन ड्राइडन जो है जॉन डन को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जॉन डन ने काफ़ी ज़्यादा मेटाफिज़िक्स को अफेक्ट किया, क्योंकि उन्होंने जो है अपनी पोइट्री में बहुत ज़्यादा जो है मतलब एक्सेसिव वे में जो है अलग अलग तरीके की स्टाइल्स को यूज़ किया है, जैसे कि बहुत ज़्यादा मतलब एग्जैजरेटेड वे में कंसीट्स का यूज़ किया है और साथ ही साथ हाइपरबॉलिक एब्स्ट्रैक्शन को दिखाया है। जैसे उन्होंने जो है कंपेयर किया है दो लवर्स को विद अ पेयर ऑफ कंपास, कि जो कंपास के दो एंड्स होते हैं उन्हें जो है जॉन डन ने मतलब लवर्स से कंपेयर किया है, कंपेयरिंग लवर्स टू पेयर्स ऑफ कंपास। सो फ्रेंड्स, देन इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स, मैं काफ़ी सारे लेक्चर्स जो है जॉन ड्राइडन पे अपलोड करूँगी, सो प्लीज़ स्टे ट्यून। एंड फ्रेंड्स, हेयर विद दिस लेक्चर एंड्स। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू इन योर UGC NET English Literature exams.